अभी हमारे वैट जीएसटी डिपार्टमेंट को एक बहुत गंभीर चीज़ पकड़ में आई है, सीरियस टैक्स फ्रॉड पकड़ में आया है। ये साइबर टैक्स फ्रॉड है। 2013 से एक साइबर टैक्स फ्रॉड चल रहा था। इसकी सूचना हमें करीब 3 महीने पहले कुछ मिली थी, इंडिकेशन मिला था कि इस तरह का कुछ हो रहा है, और हमने अपने सारे सिस्टम्स को हाई अलर्ट पे रखा हुआ था कि कहीं से इसका कोई क्लू मिले। अभी पिछले 2-3 दिन में हमारे पास इसके बहुत सुराग मिले हैं, और अब हमने इसको इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को इसमें एफआईआर करा के उसको सौंप दिया। मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ, बाकी चीज़ें तो फिर जैसे जैसे तफ्तीश सामने आएगी, तफ्तीश आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे सामने आएंगी। इसमें ये 2013 से चल रहा था, और इसमें करीब 8,000 से ज़्यादा, 8,500 ट्रेडर्स ने फिक्टिशियस आईडी क्रिएट की, सिस्टम में भी, जो हमारा वैट सिस्टम था उसमें भी, और उसके साथ साथ जो बैंक हैं जिनमें टैक्स जमा होता है। तो दिल्ली सरकार का 27 बैंक्स के साथ ट्रांजैक्शन होता है, टैक्स का, टैक्स जमा करते हैं पूरे दिल्ली के ट्रेडर 27 बैंकों में, और वो फिर हमें सरकार को देते हैं, एक जगह रिजर्व बैंक में लेके आते हैं। लेकिन मतलब उनमें से 13 बैंक्स के इन्होंने अभी तक जो पता चला है फर्जी आईडी जनरेट किए या क्रैक किए, जो भी किया वो साइबर क्राइम इसकी जांच करेगा, उन्होंने उसके आईडी और पासवर्ड क्रैक किए, हमारे सिस्टम के आईडी और पासवर्ड क्रैक किए, और टैक्स जमा दिखा के बैंकों में सारा सिस्टम चला रहे थे, जबकि टैक्स जमा नहीं कराते थे। तो टैक्स जमा नहीं, जनता से टैक्स लिया, टैक्स जमा नहीं कराया, हमारा पासवर्ड क्रैक किया और बैंक का पासवर्ड क्रैक किया, और दोनों जगह एंट्री दिखा दी, जिससे कि हमें ये लगे कि हमारे पास टैक्स आया है और चला गया है। फाइनली अभी पकड़ में आया कि नहीं हुआ, और हमने काफ़ी इसको करीब 3 महीने से हमने बहुत सघन जांच की अपने डिपार्टमेंट में इसकी, उसमें ये चीज़ें निकल के आई कि 13 बैंक्स में, 13 बैंक्स के आईडी क्रैक किए गए, और इस दौरान जो इनिशियल डिटेल मिली हैं अभी तक की जांच में जो हमने डिपार्टमेंट में की थी, जैसा मैंने बताया कि 13 बैंक्स का पकड़ा गया है। 2013 से चल रहा था लेटेस्ट, लास्ट एंट्री जहां से पकड़ में आई है अभी 2013 की पकड़ में आई है, और 8,700 के करीब ट्रेडर्स इसमें शामिल थे, अलग अलग लेवल पे, छोटे बड़े लेवल के, और 262 करोड़ का टैक्स अभी तक फ्रॉड किया जा चुका है इस पे, 262 करोड़ रुपीज़। तो ये बहुत सीरियस मसला है, गवर्नमेंट को ज़रा सी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली थी, हमने बहुत सघन जांच इसकी करके विद इन डिपार्टमेंट इसकी पूरी तहें अपने लेवल पे खोली, और अब हमने इसको, क्योंकि जब ये सामने आया कि ये तो पूरा साइबर फ्रॉड है और इसमें बैंक्स के पासवर्ड भी क्रैक किए गए हैं, तो हमने इसको अब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को दिया है। आई एम श्योर कि इसमें अभी ये 262 करोड़ तो इनिशियल फिगर्स हैं, इसमें और भी चीज़ें निकल के सामने आएंगी, और अभी तक 2013 से पकड़ में आया, हो सकता है उससे पहले से चल रहा हो। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।